हेलो गाइस, राधे राधे जी। आज हम बना रहे हैं पंजाबी कढ़ी। ऑयल, ये देखो हमने ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे जीरा, जीरा को थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे वेजिटेबल, टमाटर, टमाटर जैसे भी आपको अच्छा लगता है, पहले टमाटर चाहे सारे इकट्ठे भी डाल सकते हैं। हमने डाल दिया टमाटर, अब टमाटर को भून रहे हैं थोड़ा सा। अदरक डाल दिया है, अदरक को भी हल्का सा ब्राउन कर लीजिए ताकि कच्ची ना रहे ये। अब शिमला मिर्च डाल दीजिए, इसको भी हल्का सा भून लीजिए। शिमला मिर्च को ये काफ़ी अच्छी लगती है वेजिटेबल कढ़ी। अब ये डाल रहे हैं हम बीन्स, छोटा छोटा काट लें इसको, छोटा छोटा हर एक सब्जी को काट लीजिए। ये देख ही रहे हैं आप, अब इसको मिक्स कर लीजिए। सारी सब्जी हमने डाल दी, अब ये डाल रहे हैं हरी मिर्च, इनको सारों को मिक्स कर दीजिए। अब हम डालेंगे इसमें मसाले, अब हम डालेंगे इसमें मसाले, ये देखिए फ्रेंड्स। अब इसमें डाल रहे हैं हम आलू और प्याज, आलू और प्याज। ये देखिए, आपने पकोड़े वाली कढ़ी तो खाई होगी पर वेजिटेबल कढ़ी कभी नहीं खाई होगी। आप खाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। ये देखिए, अब डाल रहे हैं हम, ये देखिए अब मसाले डाल रहे हैं हम, ये हल्का सा हम हल्दी, एक्चुअली हल्दी कढ़ी में ज़्यादा डलती है क्योंकि लस्सी वाइट होती है, इसलिए इसको रंग लाने के लिए हल्दी ज़्यादा डालते हैं। हाँ, ये देखिए हल्दी डाल दी हमने, ज़्यादा हल्दी डाल दी है, ये वाइट होती है ना इसलिए हल्दी। अब ये नमक डाल रहे हैं, हमने ऑयल काफ़ी कम डाला है, आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हमारे कम खाते हैं ऑयल, इसलिए हम ऑयल कम डालते हैं। अब हमने लाल मिर्च डाल दी है, हल्की सी लाल मिर्च डाली है हमने, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये साबुत धनिया डाला है, ये सरसों, काली सरसों डाली है, ये पहले भी डाल सकते हैं आप तेल में और बाद में भी डाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। अब इसको सारा मसाले को मिक्स कर लीजिए, अच्छे से मसाले को भून लीजिए ताकि कच्चा ना रहे। अच्छे से भूनते हुए मसाले को हिलाते हुए देखिए, ये कढ़ी बहुत ही अच्छी बनती है। ये देखिए, हमने 1 कप बेसन ले लिया, 1 गिलास लस्सी ले लिया, हमने ये मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब इसका हम बैटर बना लेंगे, मिक्सी में बनाएंगे ये, ताकि जल्दी भी बन जाता है और इसमें कोई डॉट्स भी नहीं रहते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, इतनी जल्दी है स्मूथ हो जाता है। ये देखिए कितना स्मूथ हो गया, बेसन और लस्सी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब देखिए, अब मसाला हमारा पक चुका है, सब्जियां गल चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, लहसुन आप पहले भी डाल सकते हैं, सबसे पहले भी लहसुन डाल सकते हैं, और हम तो इसमें अब डाल रहे हैं लहसुन कि ताकि थोड़ा टेस्ट अच्छा आए, लहसुन लहसुन का टेस्ट अच्छा आए, इसलिए हम अब डाल रहे हैं लहसुन। लहसुन को भी अच्छे से उसको पेस्ट बना रहे हैं, लहसुन का पेस्ट बना लीजिए। और इसमें देखिए अब सब्जियां हमारी गल रही हैं, ये देखिए इसका कलर काफ़ी अच्छा आ रहा है। अब देखिए इसमें हम डाल रहे हैं बेसन का और लस्सी का पेस्ट घोल डाल दिया हमने इसमें, ये देखिए घोल डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, अब इसको गैस को तेज़ करके रख दीजिए, उबाले आ जाए, ताकि उबाले आने के बाद थोड़ा सिम करके हल्की हल्की धीरे धीरे पकाते रहिए। ये देखो उबाला आ गया हमारा, अब ये कढ़ी पक रही है। अब ये तड़का लगाएंगे, अलग से उस ऑयल डाल दिया, हींग डाल दी इसमें, इसमें लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च डाल दी, हल्की सी लाल मिर्च डाल दी, हल्की सी काली मिर्च डाल दी, काली मिर्च डाल दी है इसमें। ये देखिए हमारा मसाला भुन रहा है, हल्की सी लाल मिर्च, हल्का हल्का जैसे भी आपको अच्छा लगता है मसाले डाल सकते हैं, अपने स्वाद अनुसार मसाले डाल सकते हैं आप। ये देखिए ये तड़का लग रहा है हमारा, ये कढ़ी को ऊपर से तड़का लगाते हैं तो इसका टेस्ट ही अलग आता है। ये देखिए तड़का लग चुका है, अब हमारी कढ़ी रेडी हो गई है, इसके ऊपर से तड़का डाल दिया हमने। ये देखिए कढ़ी हमारी रेडी हो गई है, आप इसको सजाने के लिए कुछ भी डाल सकते हैं, मेथी, धनिया। लाइक ये हमारी वीडियो को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए,
ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो, ये देखिए अच्छी अच्छी वीडियो और बना सके। ये देखिए हमने कसूरी मेथी डाल दी।